Good morning, dear student. Today we are going to start new unit number 4, that is chemical bonding and molecular structure. So first of all, we take the portion of chemical bonding. So let's start. First of all, move to the gist of the chapter. Is chapter mein hum kya padhne wale? That chapter is very important. Aap ye samajhiye ki agar aapko ye is chapter ये समझ में आ गया, इट मीन्स आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई. जब तक आप पूरी लाइफ केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, तब तक आपका ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है वो यूज़ होने वाला है. सो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. इस चैप्टर का वेटेज जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में 5 to 6 मार्क्स का होता है, ठीक है. लेकिन आपका अभी हाफ ईयरली या पीरियोडिक में इसका वेटेज चेंज होगा, ठीक. तो इसके जिस्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, मींस बॉन्ड केमिकल बॉन्ड क्या है, क्यों बॉन्ड फॉर्म होता है और किस किस टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे. आपने कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरीके के जो बॉन्ड फॉर्म पढ़े हैं 9th और 10th में, उन्हीं को यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो बहुत सारा पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है. ये पूरा चैप्टर का जिस्ट है आपका कि ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिससे कि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक. ये चीज़ तो आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो केमिकल बॉन्ड क्या है. एक्चुअली केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू एटम, दो एटम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड. अब वाई डू एटम कम्बाइंड, एटम कम्बाइंड क्यों हो रहे हैं? फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी. मीन्स एन ए जो है वो एन ए क्यों नहीं रहता, या ओ जो है वो ऑक्सीजन ओ की तरह ही क्यों नहीं रहता? वाई दे आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, एन ए सी एल क्यों बना रहे हैं, ओ टू बना रहे हैं, सी ओ टू फॉर्म कर रहे हैं, सी एच फोर फॉर्म कर रहे हैं. सो वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टेबल themselves, मीन्स वो अपना स्टेबिलिटी अपनी गेन करना चाहते हैं. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करेंगे बच्चों? वो अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, ठीक. ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का रिलेशन आपका सेकेंड चैप्टर से है, जहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पढ़ा है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पढ़ा है. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक. अब हम इसको लुइस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. एक साइंटिस्ट हुए, सबसे पहला अप्रोच जो है वो उन्होंने ही दिया था, कॉसेल लुइस अप्रोच, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में, किसी भी तरीके के अट्रैक्शन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि हमने एन ए का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया 2, 8, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया सिर्फ आउटर मोस्ट वाला 1, तो अंदर वाले जो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वो पूरी फील्ड हैं इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो लुइस ने कहा कि न्यूक्लियस और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 2 और 8, इनको मिला करके हम कहते हैं कर्नल. ये बॉन्डिंग में इनएक्टिव है इसलिए इनको शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम किसी भी एटम को सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से शो कर सकते हैं, एंड उसी को उसने कहा डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस सिंबल, ठीक. जैसे बोरोन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? 5 होता है. कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा तो हीलियम 2s2 2p1, या शॉर्ट में आप लिखें तो 2 और 3, तो 2 तो आपका कर्नल में आ गया, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपने 3 डॉट लगा दिए इसमें. इसी तरीके से ब्रोमीन ले लीजिए या सीएल ले लीजिए, सीएल आपको अच्छी तरीके से याद है 17 होता है, 287 करके आप लिखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए. तो इसको हम क्या कहते हैं? लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक. तो आगे थोड़ा और हम इसमें पढ़ते हैं. लुइस सिंबल,
लुई सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट. ठीक है, वैलेंस नंबर इज द सेम एज द पीरियोडिक टेबल ग्रुप, और जितनी भी वैलेंसी है वो आपको पता है इट डिपेंड अपॉन ग्रुप्स, ग्रुप पे डिपेंड करती हैं. जो हमने थर्ड चैप्टर में ग्रुप और पीरियड्स पढ़े हैं, तो ग्रुप का जो नंबर होता है वो शो करता है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. ठीक, और इसी तरीके से हमने बहुत सारे एलिमेंट का एग्जांपल लिया है और इनको हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है. ठीक, जैसे हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डॉट लगा दिया, हीलियम में दो हैं दो डॉट लगा दिए, लिथियम में वन, बेरिलियम में टू, बोरोन में थ्री, कार्बन हैज फोर, नाइट्रोजन हैज फाइव, ऑक्सीजन हैज सिक्स, फ्लोरीन हैज सेवन एंड नियॉन हैज टेन. ठीक है, तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक, अब इसके बाद हम अगेन पीरियोडिक टेबल पर पहुँचते हैं कि एटम जो हैं वो कंबाइंड क्यों हो रहे हैं. ठीक, एटम इसलिए कंबाइंड हो रहे हैं कि एटम टेंस टू गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन अनटिल दे आर सराउंडेड बाई एट इलेक्ट्रॉन. जितने भी एटम इस पीरियोडिक टेबल में हैं, एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस. उसके आसपास की जो नोबल गैस है, क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है, तो उसके नियर बाई जो भी नोबल गैस है उस स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को वो अचीव करना चाहता है. चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, चाहे उसके लिए गेन करने पड़े, या फिर शेयर करने पड़े. लेकिन ऐसा वो कब तक करेगा? ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि उसका ऑक्टेट पूरा ना हो जाए, मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन ना हो जाए. जैसे Na है, Na 281 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस फॉर्म कर देता है. Cl है, Cl के आउटर में 7 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो नोबल गैस बन जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cl नेगेटिव बना देता है. इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो गेन करे, और अगर लूज और गेन नहीं कर सकता तो शेयरिंग करे. इसीलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो यही लुईस डॉट ने कहा था कि मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्यों लिखूं किसी भी मॉडल का. बोर मॉडल बार बार जो है हम वो सर्कल बनाते हैं कि बीच में न्यूक्लियस से ये 281, तो सिर्फ हम क्यों ऐसा क्यों ना करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करें. और उसी को क्या कहा गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसी में जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं बच्चों, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर. जब भी हम इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ इस तरीके से हैं, देखो जैसे Cl में दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो ये क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया. दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो ये भी लोन पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ये हैं तो ये भी लोन पेयर हो गया, और जो बॉन्ड बन रहा हो उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर. जहाँ बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड पेयर, और जो खाली हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उसको कहा जाता है लोन पेयर. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच.